हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। सो आज का डिस्कशन होगा हमारा बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर हम कहें ONGC के रिगार्डिंग। सो ONGC की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट निकली है। वो रिक्रूटमेंट क्या है, सब आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बेसिकली 7 मई 2022 को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है, और इस एडवर्टीजमेंट में क्या है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपका नेट क्लियर नहीं है, आपका गेट क्लियर नहीं है, विदाउट नेट एंड गेट क्या आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप BSc में हैं, आप एलिजिबल हो, या MSc पास आउट हो तब आप एलिजिबल हो। सो ये सभी के सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और इम्पोर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड ऑल द थिंग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट कि जैसे आप इस पोर्टल को ओपन करते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, देन यू सी दैट कि ये पोर्टल ओपन होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है द रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव अक्रॉस ऑल द वर्क सेंटर। सो आप इसे क्लिक करें। अभी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सो बेसिकली अभी हम इसको रीड आउट करते हैं। ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर हम डिस्कशन करें, यहाँ पर क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हर चीज़ यहाँ पर क्या है मेंशन है। और सबसे पहले हम देखो, आपको पता है कि जो पोस्टिंग सेंटर होगा, यानी जो वर्क सेंटर होगा, वो कहाँ पर कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने बात करी है जो ONGC उत्तराखंड यानी कि देहरादून में है, वहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल। आप केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जूलॉजी, ठीक है, अकाउंटेंट। तो यहाँ पर आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। ये देखिए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री का जो पोस्ट है, एक ही पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पोस्ट SC कैटेगरी का एक पोस्ट है, टोटल 3 है। या यहाँ पर जो मेंशन है वो टोटल 3 पोस्ट है। ठीक है, एक SC की और बाकी जो होगा, कैटेगरी मेंशन कर रखी है यहाँ पर। ठीक है, कैटेगरी मेंशन कर रखा है और आपका रिजर्वेशन द बेंच मार्क डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी सब कुछ मेंशन है। सो ऐसे ही यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। इसी तरह दिल्ली का होगा, दिल्ली में कौन कौन सी पोस्ट के लिए अवेलेबिलिटी है, बॉम्बे में यानी मुंबई में कौन कौन सा है, केमिस्ट्री के लिए कितनी पोस्ट अवेलेबल है। सो देखिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सीमेंटिंग बॉयलर, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर भी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं और भी, गोवा में जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, एंड गुजरात में अगर हम बात करें, सो गुजरात में बेसिकली आपका केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है 5 सीट, दैट्स वेरी नाइस। यहाँ पर आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी तरह आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ अगेन जूनियर, यहाँ पर 4 सीट्स अवेलेबल है, राजस्थान, चेन्नई। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, असम में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको सब रीड आउट कर लेंगे। ये तो PDF में आप अपने अकॉर्डिंग देख ही लेंगे। ठीक है, अपने होम टाउन के रिगार्डिंग ही सब चेकआउट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल की, सो अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर लेवल मेंशन है, यहाँ पर बेसिकली लेवल मेंशन है। और मेंशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पे स्केल मेंशन है कि W1 लेवल, A1 लेवल, F1 लेवल। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, पे स्केल अच्छा खासा पे स्केल है। उसके बाद आता है मेन की इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या है। बेसिकली आप सबको केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना होगा। सो केमिस्ट्री के लिए अगर हम रीड आउट करते हैं यहाँ पर, तो केमिस्ट्री के लिए रेडियो असिस्टेंट, ओके, ये देखिए यहाँ पर है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए इन्होंने लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अ केमिस्ट्री। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, मतलब आपके पास MSc होना चाहिए। ये F1 पोस्ट के लिए है, ध्यान रहे ये F1 लेवल की पोस्ट है। F1 का यहाँ पर भी इन्होंने डिस्कशन किया है, F1 का जो पे स्केल है 29,000 टू 98,000 तक का पे स्केल आपको देखने को मिला। बट अगर आप BSc में हैं तब क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते? तो देखो, अगर आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, राइट, यानी A1 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो BSc विद केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट, मतलब आपका BSc होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, आपकी BSc के अंदर केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट A1, और MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट फॉर द F1 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का इन्होंने मेंशन कर रखा है, और बाकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, मीन्स आपकी जो डिग्री है वो 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड द वन मोर थिंग इज दैट कि कोई रिकग्नाइज कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर ये मैटर करेगा, तो ये कुछ स्पेसिफिकली पोस्ट के मेंशन है।
अगर हम मेल्स एंड फीमेल्स का कैटेगरी मेंशन करें तो यहाँ पर जूनियर टेक्निकल, देखो यहाँ पर आपका टेक्निकल असिस्टेंट का नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपका, ये तो दूसरी पोस्ट के लिए हो गया ना आपका, सो एज की बात करें कि मिनिमम एज कितना रिक्वायरमेंट है, तो A1 जॉब के लिए और आपके जो F1 जॉब के लिए, वो सबका यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स पर अगर मैं आती हूँ तो मेरी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 7 मई से लेकर इसका लास्ट डेट है 28 मई, 28 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना। ऑब्वियसली आप अप्लाई करेंगे ही, अप्लाई करना कैसे है वो भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हाउ टू अप्लाई ऑल दैट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना ऑनलाइन एप्लीकेशन साइट पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिकॉज इन एप्लीकेशन में सब कुछ मेंशन होता है कहाँ पर क्या आपको फिल करना है। फिर भी कोई डाउट है तो ईमेल आईडी होगी यहाँ पर, तो ईमेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें, सो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस का होगा मेंशन। अगर आप जर्नल या OBC या EWS कैंडिडेट है तो आपको 300 होगा, ठीक है, रिफंडेबल तो नहीं है। हाँ, अगर आप SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स, PW BD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, उनका कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा, यानी जो आपका CBT टेस्ट जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो बच्चा उसे क्वालिफाई करेगा उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, उसके बाद आपका आगे प्रोसीजर रहेगा, इंटरव्यू वगैरह एंड ऑल दैट। अब सेंटर क्या रहेंगे आपके, टेस्ट सेंटर आप देख सकते हैं, अब देहरादून, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा, वेस्टर्न, ये सब आप यहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान रहे ये टेस्ट सेंटर चेकआउट हो जाएगा आपका। उसके बाद थोड़ा सा एग्ज़ाम का, CBT का थोड़ा बता देते हैं कि CBT में सिलेबस क्या होने वाला है, क्या सीन होगा, पेपर का पैटर्न। सो CBT के अंदर अगर हम बात करें पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में क्या होगा, जर्नल मेंटल एबिलिटी, यानी जो आपका लॉजिकल रीजनिंग होती है, एनालिटिकल पार्ट होता है, कंप्रेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, जर्नल अवेयरनेस, ये सब आपका 20 क्वेश्चन कैरिंग द 1, यानी 20 नंबर का पेपर यहाँ से आने वाला है। उसके बाद जो पार्ट बी होगा, जहाँ पर आपका आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सपोज आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो बेसिकली केमिस्ट्री के लिए ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका मेन सब्जेक्ट, यानी 80 क्वेश्चन आपके, 80 मार्क्स का पेपर आपका सब्जेक्ट का रहेगा और 20 जो रहेगा वो आपका जर्नल अवेयरनेस का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल हैं, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने सभी पोस्ट का मेंशन कर रखा है क्राइटेरिया में, CBT में 85, एकेडमिक परफॉर्मेंस 10 और बाकी जो इन सभी पोस्ट के लिए मेंशन कर रखा है। एंड अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू बेसिकली सेड दैट कि यहाँ पर आपको मिनिमम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, BSc ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बाकी तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है ही है। आप इसको पूरे को रीड आउट करें, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप यहाँ पर, इन्होंने मेंशन कर रखा है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनली एट दैट साइट, इस साइट पर जाएं, अगर कोई एरर आता है तो फिर भी वहाँ पर आप मेल आईडी से आपको बता दिया जाएगा। सो आई थिंक आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री के अलावा, मतलब आपका कोई और नॉन जो जो ट्रांसपोर्ट या कोई और पोस्ट के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, राइट, बहुत सारी पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने भी BTech वगैरह कर रखा होता है, तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, प्रोडक्शन का, सिविल इंजीनियरिंग का, सबका पोस्ट अवेलेबल है। सो आई थिंक सो दैट आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स, आप एलिजिबल नहीं है बट आपके फ्रेंड्स एलिजिबल हैं, देन डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अलीम केमिस्ट्री चैनल पर आपको इसी तरह की हर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी सबसे पहले, और अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन नीचे अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, थैंक्स टू वॉच दिस सेशन।